हेलो एवरीवन, मेरा नाम चिराग शर्मा है और आज की ये जो वीडियो है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि नवंबर से एक इशू आ रहा है फेसबुक के साथ, जिसमें क्या हो रहा है कि काफ़ी सारे ऐड अकाउंट जो है वो बंद हो जा रहे हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है एंड क्या आपको इसमें करना चाहिए, आपको कैसे प्रिपेयर रहना है इस चीज़ के लिए, उसके बारे में आज की ये पूरी वीडियो है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो है इसमें लिखा आता है, योर एडवर्टाइजिंग एक्सेस इज़ रिस्ट्रिक्टेड। तो जिस भी प्रोफाइल पर आपने पूरा का पूरा ऐड अकाउंट, बिजनेस मैनेजर वगैरह बनाए होते हैं, ये पूरा का पूरा इसमें प्रॉब्लम आ जाती है एंड आप कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो। तो जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग ये दो मेन पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, वो मैं आपको भी बताऊंगा वीडियो में। तो इस एरर की वजह से नवंबर से बहुत सारे ऐड अकाउंट्स बंद हो चुके हैं एंड काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ है काफ़ी बिजनेस को इसमें। मेरे स्टार्टिंग में नवंबर दिसंबर में 2-3 ऐड अकाउंट इस वजह से बंद हुए थे। तो मैंने इसका सॉल्यूशन निकाला है एंड आज की वीडियो में आपको वही चीज़ बताने वाला हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी आती है, योर एडवर्टाइजिंग एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड। ये आपके एड मैनेजर में ऊपर ही लिखा होगा एंड लिखा होता है, यू आर नो लॉन्गर अलाउड टू यूज़ फेसबुक प्रोडक्ट्स टू एडवर्टाइज, यू कांट रन एड्स, मैनेज एडवर्टाइजिंग एसेट्स और क्रिएट न्यू एड ऑफ बिजनेस अकाउंट्स। तो इसमें आप अब कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हो एंड डिलीवरी में लिखा आता है अकाउंट एरर। तो जहाँ तक मैंने देखा है डिलीवरी में दो मेन चीज़ें होती हैं, या तो यहाँ पर लिखाएगा अकाउंट एरर या दूसरी चीज़ एड सिंपली रन होती रहती है बट उसको आप एडिट नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसे ऑन कर सकते हो या फिर स्टॉप कर सकते हो। तो ये चीज़ मैंने देखी है, कई बार अकाउंट एरर आता है और कई बार नहीं आता। बट अकाउंट एरर आए या फिर सिंपली डिलीवर होती रहे तो आप एडिट उसमें बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ना आप नए ऐड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो, कुछ भी इसमें पॉसिबल नहीं होता। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सिंपल सॉल्यूशन यही है कि जो भी आपके ऐड अकाउंट में चल रहा है आपको स्टार्टिंग से वो या तो पूरा नया क्रिएट करना पड़ेगा। बिकॉज जब योर एडवर्टाइजिंग एक्सेस इज रिस्ट्रिक्टेड लिखाता है, आपके पास एक सॉल्यूशन रहता है, आप सिंपल लर्न मोर पे क्लिक कर सकते हैं। एंड जब आपने लर्न मोर पे क्लिक किया तो होगा क्या, आपको सिंपली उन्हें लिखना पड़ेगा कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से वो आपको रिव्यू करें। तो उसमें आप सिंपली कुछ भी लिख सकते हो कि आपने कोई पॉलिसी वॉयलेट नहीं की है एंड उस वजह से आप चाहते हो कि आपका एड अकाउंट जो आप पे एडवर्टाइजिंग एक्सेस रिस्ट्रिक्टेड आ रहा है वो रिस्ट्रिक्शन आपसे हट जाए। तो जब आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि आपका अकाउंट उसी टाइम वापस आ जाए, कई बार वो 2 दिन में वापस आ जाता है, कई बार 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में, महीने में। बट पॉसिबिलिटी ये भी है कि वो कभी भी आपकी जो रिस्ट्रिक्शन है वो ना हटाए एंड आपकी प्रोफाइल में आप कभी भी ऐड अकाउंट दोबारा क्रिएट नहीं कर सकते हो, ना ही आप कोई उसमें ऐड क्रिएट कर सकते हो या एडिट कर सकते हो। तो इसका बेस्ट सोल्यूशन मैंने ये देखा है कि जब भी आप कोई ऐड अकाउंट क्रिएट करते हो, जैसे मैंने ऐड अकाउंट क्रिएट किया, तो मैं अपनी 3-4 प्रोफाइल में इसका जो राइट्स होते हैं एडमिन एक्सेस वो मैं दे के रखता हूँ। बिकॉज अगर एक प्रोफाइल में ये प्रॉब्लम आती है तो बाकी प्रोफाइल तब भी कंटिन्यू रहती है, आप उसमें तब भी एडिट कर सकते हो ये सब चीज़ें। तो ये जो है ये सबसे इजी एंड बेस्ट सॉल्यूशन है इसका। दूसरा मेथड क्या होगा, लेट्स से कि मैंने अपना एडवर्टाइजिंग एक्सेस कहीं पे भी नहीं दिया है, मेरा कोई भी अकाउंट में मेरे पास वो एक्सेस नहीं है, उस केस में आपको पूरा स्टार्टिंग से करना पड़ता है। तो ये चीज़ के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि अगर मेरा पूरा जो बिज़नेस है जो ऐड अकाउंट की वजह से चल रहा था वो अगर अब रुक चुका है, उसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सॉल्यूशन, अल्टीमेट सॉल्यूशन यही है कि आपको जल्दी से जल्दी एक नई प्रोफाइल, कोई आप अपने फ्रेंड्स की, रिलेटिव्स की या किसी की भी एक प्रोफाइल, फेसबुक प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो। तो इसलिए आपको अपनी ही 2-3 फेसबुक प्रोफाइल बनानी चाहिए, बिकॉज आप फेसबुक एड्स का काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं इसलिए। तो आपको बैकअप के लिए ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बट अगर फिर भी आपके पास नहीं है तो फिर आप क्या कर सकते हो, अपने रिलेटिव्स का यूज़ कर सकते हो। बिकॉज जितनी ज़्यादा प्रोफाइल पुरानी होगी उतना ज़्यादा फेसबुक थोड़ा ज़्यादा ट्रस्ट करता है उस चीज़ में, जो कि मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ। बाकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि अगर आप नया भी ऐड अकाउंट बना रहे हो तो एक्सेस आपको 3-4 प्रोफाइल में दे के रखना पड़ेगा, ताकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो इजीली सॉल्व हो सके। तो अगर इससे रिलेटेड आपके पास कोई और प्रॉब्लम है या इसका कोई और सॉल्यूशन है तो आप नीचे कॉमेंट्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।